शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मिल रही है इजराइल के बैरी से, जहां हमास के हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहां पर हमारे सहयोगी नीरज कुमार पहुंचे हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। नीरज, हम आपका रुख करें, क्या वहां पर हुआ था, इस वक्त के क्या हालात है नीरज? देखिए, बेरी को ग्राउंड जीरो के तौर पे जाना जाता है हमास के हमले का। बेरी, फार्ज आजा, इसके अलावा रेम, वहाँ सबसे ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई थी। लेकिन यहाँ जो तस्वीरें हैं वो नरसंहार की तस्वीरें दिख रहे हैं। देखिए, ये घर था एक, यहाँ से परिवार वालों को निकाल कर, क्या चाहे बच्चे, पिता, माता या जो भी परिवार के सदस्य थे, उनको यहाँ से जला कर मारा गया है। मिलिटेंट यहाँ हमला किए थे, 70 की संख्या में आतंकियों ने यहाँ हमला किया था, हमास के आतंकियों ने। यहाँ तस्वीरें, आप घरों की तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ हैवोक क्रिएट किया गया है, जलाया गया है इस पूरे घर को। यहाँ लोग चीख चीख कर पुकार रहे थे, लेकिन यहाँ तब उन्हें बचाने वाला तब तक कोई नहीं आ पाया था, जब इस पूरे गांव में 1200 की आबादी वाला गांव था, यहाँ उन लोगों ने हैवोक क्रिएट किया था। और ये देख सकते किस तरह से एसी का हाल हुआ है, ये जो फ्रेम होते हैं, जो भी घरों के इस्तेमाल होने वाले फ्रेम, उनका क्या हाल हुआ है। कैमरा पर्सन करम से कहेंगे इधर की तस्वीरें दिखाएं। न्यूज 18 इंडिया बेरी पहुँचने वाला कुछ चैनलों में से एक है। आप देख सकते घरों की हालत क्या है, घरों के जो सामान होते हैं उनके हालत क्या है। ये किचन का एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ किस तरह की तस्वीरें हैं। नीचे करम, नीचे की भी तस्वीरें थोड़ा दिखाइए, हमारे न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को पता चलेगा। यहाँ एक बेबी सीट है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे, जहाँ हम मौजूद हैं। और ये देखिए अंदर किस तरह से आगजनी की गई है। न्यूज 18 इंडिया पे बेरी की तस्वीरें, बेरी को ग्राउंड जीरो के तौर पर हमास के आतंकियों के हमले का जाना जाता है। और बेबी वॉकर इस तरह की तस्वीरें यहाँ बयां कर रही हैं कि क्या स्थिति थी हमास के आतंकियों ने जब हमला किया। 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या की गई थी। इधर की तस्वीरें दिखाई, ये जो शेल्फ है यहाँ राख से पूरा भरा पड़ा है। न्यूज 18 इंडिया उन कुछ चैनलों में से जो आज यहाँ पहुँचा है, हर तरफ आगजनी, मिलिट्री के साथ न्यूज 18 इंडिया की टीम आई है। और दूसरी तरफ से आपको भी दिखाएंगे, केवल ये आगजनी एक जगह नहीं की गई थी, बल्कि पूरे गाँव में जहाँ लोग रहते थे, क्योंकि 1000 की आबादी थी तो बहुत कुछ जगह पे लोग रहते थे, सामुदायिक तौर पे विलेज था। ये घर का नक्शा देखिए, पूरा बिगड़ गया है। न सिर्फ नक्शा बिगड़ा है, बल्कि गांव की सूरत और नरसंहार में पूरे गांव को तबाह कर दिया। अब ये पूरा का पूरा वॉर टाइम जोन में तब्दील हो गया है, पूरे एरिया को आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। और यहाँ टारगेटेड हमला किया गया था, हमास के आतंकियों को पता था कि यहाँ वो पहुँचेंगे तो बहुत लोगों का मैसेकर करेंगे, और वही किया। बट कुल 100 लोगों से ज़्यादा, 1000 की आबादी में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। और हर तरफ आपको इधर देख सकते, करम आप उधर की तस्वीरें दिखे, हर तरफ अब आर्मी तैनात है। इधर देखिए आर्मी की गाड़ियाँ कहाँ, करम आगे से जाके दिखाइए, वहाँ आगे देख सकते आर्मी की गाड़ियाँ हर तरफ लगी हुई हैं। और ये हाल है किबुज बेरी का, जिसे ग्राउंड जीरो के नाम से जाना जाता है। हम दूसरी तरफ भी जा रहे हैं ताकि वहाँ की तस्वीरें देखिए। एक घर और हमें दिखा, इस घर को कैसे जलाया गया है आपको दिखाते हैं। हर तरफ आए, टारगेटेड वे में हमला किया। अभी आपको यहाँ किबुज यानी यहाँ के विलेजर्स नहीं दिखेंगे, वहाँ आर्मी के लोग दिखेंगे। करम उनको भी एक बार तस्वीरों में दिखाइए। और ये दूसरी जगह आपको लेकर आए हैं, जहाँ भी परिवार के लोगों को मारा गया, पीटा गया, माँ की गोद से बच्चों को निकाल के मारा गया। जिस तरह की क्रूरता यहाँ देखने को मिली, उससे पूरी दुनिया हमास के खिलाफ हो उठी है। इधर आपको एक बार फिर अंदर की तस्वीरें दिखा दें, एक जगह नहीं, गांव में चुन चुन कर जहां लोग रहते थे, बीच में जो खाली एरिया लगा वो पार्क का एरिया था, वहां से आपको नहीं दिखा सकते थे। यहां एक बार तस्वीरें आपको दिखा दें, ये किस तरह से जलाया गया। वन मिनट, किस तरह से जलाया गया देखिए। यहाँ आगजनी की गई है, ग्रेनेड फेंका गया, और ये तबाही के निशान आपको न्यूज 18 इंडिया के चैनल पे हम बता रहे हैं। हमास के खिलाफ इसराइल ने ये दावा तो किया कि वो हमला करेंगे। करम थोड़ा सा अंदर आकर इसकी तस्वीर दिखाइए, ये बाथरूम था। इधर आइए, इधर अंदर से, वहाँ एक बच्चे की कुर्सी आपको दिख रही होगी, ये देखिए सामने में बच्चे की कुर्सी है, जलाया गया था, ग्रेनेड फेंका गया था, हमें अंदर आने की मनाही है। ये खिड़कियों के निशान देखिए, दीवार पे काली कालीख देखिए, ये सब बता रहे हैं कि हमास ने जो किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता। अंदर